माय नेम इज अभी शिवाज। तो आज आप सबके सामने एक स्टोरी टाइप में कविता ले गया था जिसका टाइटल है बदमाशी, जो कि आजकल की अपनी जनरेशन में बहुत ज्यादा देखने मिलन लग रही आजकल। तो उसने एक स्टोरी टाइप में इमेजिनेशन कर दे चालियो और मैं कविता टाइप में तो सुनाता चालूंगा। तो शुरुआत करता हूँ, इसमें एक करैक्टर होगा जिसमें मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ज्यादा मैंने अपना नाम टेक किया उस चीज पर, क्योंकि और का नाम लेगा जो कोई भाई उड़े बैठे हो खाम खा बुरा मैं जगह समझ सीखो। तो शुरुआत करता हूँ कि एक अभी नाम का बंदा था जो खुद ने बटा बदमाश कया करता, भाईचारा भाईचारा कराया करता और कैया ने अपना खास कया करता। सारा दिन बैठना टोली में और सारा दिन ओके पीने जमा छक्के, मर जुआ भाई साहब तेरा खातर मैर दुआ नुआदे कराया करता जमा पक्के। रे एक दिन की बात एक जना बोलिया कि एक बंदा मैंने पिंडा गेल समझाना है। रे एक बंदा मैंने आज दोपहरा के 4 बजे बाईपास का ब्रेकर बता ठाणा है। तो अभी बोलिया कोई बात नहीं ठाणा है तो चल भाई, अपने बिंडे बांडे है वे जोड़ा में गाल भाई। और वे चल दिए फिर मोटरसाइकिल पर चाचर बैठ के, बोले आज तो तेरा सारा रोला आवांगे मेट के, आवांगे मेट के। फिर बीच में गए तो दो चारा ने फूक मारी अभी का कि अभी मामना तो सुनिया तेरा कसूता नाम है, देख पहला थप्पड़ मारन का तेरा काम है। अभी बोलिया कोई नहीं, उस ऊपर वाला ने दे रख के एहसास, यार के किसे तो डर है, यार भी है बट्टा बदमाश, जाके जिसा आज सैम्बिया थप्पड़ मारन खातर तो एक धड़ाक दनीसी की आवाज आई। रे पासू पोया थोड़ा थोड़ा दर्द, फिर उसने अपनी आंगली पासू बलाई। रे फिर आंगलिया गानी देखा तो आंगली खून तो लतपत पाई, फिर गोड्डे लगे धरती में जाके उस बड्डा बदमाश के। रे दूर खड़े खड़े लगावे थे वे जो बिंडे आले जो उसके गणे खास थे। रे तीसरी सांस के बाद चौथी सांस वो ले नहीं पाया, रे फुकरा पंती में तो दे दी उसने जान, मगर माँ बापू ने वो कुछ भी दे नहीं पाया। फिर सवाल करया ऊपर आला ने कि बेटे ना जी भर के कर पाई माँ लाड तेरे, रे राह देख दी रहगी वाह, तने बेबे कहानी याद करया था बाँ देख दी रहगी वाह, तने ब्याली भी अंडाई दी धूप के मैं छा देख दी रहगी वाह, बेटी भी गरा बीमार पड़ी थी दवा देख दी रहगी वाह। आज तो यारा में बैठ के कहा था मैं बड्डा बदमाश, और फोटो उतारा था असलिया गेल, तेरा बाबू करा था ऐद बखेती और सानी गेड़ा था तसलिया गेल। आज पड़ी है आंगन के बीच बिचाड़ लाश और पूरा कुनबा मौन हरे, पूरा कुनबा मौन हरे और तना ऐग लगा दी तेरी खुशिया का, ई बता तेरता बड़ा बदमाश कौन हरे, ई बता तेरता बड़ा बदमाश कौन हरे। मैसेज देना चाहूंगा कि एक यो बदमाशी का रास्ता सिर्फ नरक का दरवाजा है, एक बार जो बढ़ गया उसमें तो उल्टा आना बहुत मुश्किल हो जाए, और इसमें कई चीज बंदा ना खोनी भी पड़ा करे। पहली बात, जो बाबू ने कमा रह किया इज्जत वह इज्जत खोनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो बाबू ने दो चार पीसिया की कमाई जोड़ रखी उराने पराने था तो वह कमाई खोनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो बाबू ने तरगातर सपने देख रखे कि मेरा बेटा नू कामयाब होगा नू कामयाब होगा, वे सपने खोने पड़ेगी। और चौथी बात, तेरा खुद का घात खावा गालात, आगे भाई साहब तेना समझना है तो समझ, नहीं समझना तेरी मर्जी, अपनी बात समाप्त। थैंक यू।